मनीष कश्यप वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को यानी कि तमिलनाडु को भी और बिहार सरकार को भी तलब किया है, यानी कि नोटिस जारी किया गया है। जो 10 अप्रैल को सुनवाई होने वाली थी वो नहीं हुई थी किसी कारणवश, और आज हुई है। आज सुनवाई के बाद डबल बेंच के जो जज महोदय हैं उन्होंने आदेश किया है दोनों राज्यों को कि ये दोनों राज्यों को जो कि अलग अलग जो FIR हुए हैं उनको क्लब करने के लिए दोनों राज्यों को नोटिस दिया गया है। और दोनों राज्यों को तलब करने के बाद जो नोटिस दिया गया उसके बाद यह भी पता चला है कि 21 अप्रैल को अगली सुनवाई जो मनीष कश्यप के मामले में है जो सुप्रीम कोर्ट में होगा वह 21 अप्रैल को होगा। और अब आगे इस बात में जानने वाला यह है कि जो याचिका दायर की गई थी कि दो राज्यों का केस को क्लब किया जाए, मतलब कि एकत्रित करके एक जगह किया जाए, क्योंकि तमिलनाडु जाना और केस की सुनवाई करना, फिर बिहार आना केस की सुनवाई करना, और अन्य जगह पर जाकर के केस की सुनवाई करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था विभाग को भी, मनीष कश्यप के परिजन को और वकील को भी। तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच के जज साहब ने यह आदेश दिया है और नोटिस जारी किया गया है। क्या किया गया है? नोटिस बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है और तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। किस लिए? मनीष कश्यप मामले में जो तरह तरह के जो FIR 14 कोई 13 कोई 12 को केस बता रहा है तमिलनाडु में हुआ है, 3 से 4 केस बिहार में रजिस्टर्ड हुआ है, इस सभी केसों को क्लब करके एक जगह रखने के लिए, एक जगह कंबाइन करके रखने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को तलब किया है। और उन्होंने उनको एक नोटिस भी जारी किया है दोनों को कि आप लोग उसकी जो आगे की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को काम किया जाएगा और काम होगा उस दोनों राज्यों के केस को क्लब करके एक जगह रखा जाएगा जहां पर मनीष कश्यप से जुड़ी तमाम जो FIR हैं उनको क्लब करके एक जगह किया जाएगा और उन पर आसानी से सुनवाई किया जा सकता है, जिसमें वकील साहब को भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और वहां सुनवाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मामला जो भी कोर्ट में जो लंबित होती है किसी न किसी आधार पर उसकी सुनवाई की जाती है और सबूत उसका आधार बनता है, तो सबूत उसका आधार बनेगा, उस पर वो सुनवाई होगा। मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगा है उस चीज़ पर भी चर्चा होगी, और NSA किसी पर जब लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के स्वीकृति से लगाया जाता है, वहाँ के जिलाधिकारी के उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के सारे चीज़ों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है। अग्रिम जमानत का भी याचिका उसमें दायर किया गया है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी खबर अभी जो अभी हम लोगों को प्राप्त हुई है वकील साहब के थ्रू वो यही थी कि मनीष कश्यप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को तलब किया है, यानी कि दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करके यह कहा गया है कि चीज़ को क्लब करने की जो प्रक्रिया थी यह शुरू हो चुकी है और अब दोनों राज्यों के केस को क्लब करके एक जगह किया जाएगा और उसकी सुनवाई एक जगह होगी। रही बात कानून की, प्रशासन की, विधि व्यवस्था की, तो जिस तरह जो मामला होता है उस तरह होगा। कानून का व्यवस्था है, प्रक्रिया है, न्यायालय की अपनी न्यायिक प्रक्रिया है, उसी हिसाब से न्याय भी होता है और उसी हिसाब से किसी भी केस का, किसी भी मामले की सुनवाई भी होती है। मनीष कश्यप भी मामले की भी सुनवाई उसी प्रक्रिया से चल रही है और न्यायालय की अपनी अपनी न्यायिक प्रक्रिया होती है। न्यायालय का अपना अपना सिस्टम होता है, चाहे वह लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, सबकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। वहाँ डबल बेंच ने यह आदेश किया है और यह सारी जानकारी भी दी गई है और दोनों राज्यों को तत्काल नोटिस दी गई है। बस हम लोगों को इंतजार करना है कि ये जैसे कब कितना जल्दी केस को क्लब किया जाता है और क्लब करने के बाद दोनों राज्यों को जो नोटिस दिया गया इसमें आगे की जो भी जानकारी होगी आप लोगों को हम बताने का काम करेंगे और इस चीज़ को लेकर सभी जुड़ी जानकारी आप लोगों को दी जाती रहेगी। कहीं ना कहीं से आप सभी से भी आग्रह है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का उग्रता ना दिखाएं, किसी भी प्रकार के किसी के भी बहकावे में कोई उग्र भाषण ना दे, कहीं किसी के बहकावे में ना आए। कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है, अब न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है, कानून पर भरोसा है, सिस्टम पर भरोसा है। मनीष कश्यप के साथ अन्याय नहीं होगा, जल्द से जल्द न्याय होगा और बिहार का लाल, बिहार का बेटा बाहर आएगा और फिर से अपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। जय हिंद, जय बिहार।